हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में संसाधन संरक्षण के बारे में अपन विगत क्लासों में भी चर्चा कर रहे थे, और आज भी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे मिट्टी है, जल है, वनस्पति है या खनिज है, इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। और प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ती जनसंख्या से उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, जिसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। इस दोहन की वजह से इसका संरक्षण किया जाना बहुत अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहले अपन मिट्टी लेते हैं कि मिट्टी है वो धरातल है। धरातल या पर पाई जाने वाली जो मिट्टियां हैं, क्योंकि मिट्टी ही सभी फसलों का, उत्पादन का, मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का एक आधार है, और इसका मिट्टी का संरक्षण करना अति आवश्यक है। यदि मिट्टी का संरक्षण नहीं किया गया तो धरातल पर जो उपजाऊ मिट्टी है वो कम हो जाएगी, और इससे खाद्यान्न उत्पादन, विभिन्न फसलों के उत्पादन और मानव के जो पोषण है, मिट्टी से कौन सा, मिट्टी के अपरदन से या मिट्टी के अनुपजाऊ बनने से, इसके आस होने से जो पोषणीय क्षमता है, पोषणीय क्षमता ये प्रभावित होती है, मानव की पोषणीय क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो जो मानव के विश्व के अंदर जो पोषण का आधार है वो क्या है, मिट्टी है, और इस मिट्टी का संरक्षण करना बहुत अति आवश्यक है। मिट्टी के संरक्षण और उनके लिए उसके मिट्टी और उनके वर्ग क्या है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अमेरिका के सी एस संस्था ने यानी अमेरिका के कॉम्प्रेसिव सॉइल्स ये सिस्टम के द्वारा, कॉम्प्रेसिव सॉइल्स सिस्टम के द्वारा, सी एस संस्था के द्वारा मिट्टियों को तीन वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले क्षेत्रीय मिट्टी है जिसको जोनल सॉइल्स कहते हैं, इसके बाद में अंतरक्षेत्रीय मिट्टी जिसको इंट्रा जोनल सॉइल्स कहते हैं, और तीसरा वर्ग है इसका अक्षेत्रीय मिट्टियाँ जिसको अजोनल सॉइल कहते हैं। यानी मुख्य रूप से मिट्टियों के तीन वर्ग पाए जाते हैं, क्षेत्रीय मिट्टियाँ, अंतरक्षेत्रीय मिट्टियाँ और अक्षेत्रीय मिट्टियाँ। सबसे पहले क्षेत्रीय मिट्टियाँ क्या होती है, क्षेत्रीय मिट्टियों का मतलब होता है कि वह मिट्टियाँ जो किसी उसी क्षेत्र से विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसका निर्माण होता है, उसे अपन क्षेत्रीय मिट्टियाँ कहते हैं। और दूसरी होती है अक्षेत्रीय मिट्टियाँ। अक्षेत्रीय मिट्टियाँ का मतलब है कि इस मिट्टियों का निर्माण उस क्षेत्र विशेष में नहीं हुआ है, ये मिट्टियाँ जल, वायु और हिमानी के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से लाकर वहाँ निक्षेपित होती है या निर्मित होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, अक्षेत्रीय मिट्टियाँ, अजोनल सॉइल्स कहते हैं। जैसे जल के द्वारा लोड करके लाई हुई मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस विशाल मैदान में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और हिमालय से निकलने वाली विभिन्न नदियों की जलधाराओं के साथ में लोड करके निक्षेपित जो मिट्टी है उसको अपन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। दूसरी जो हिमानी के साथ में लोड करके लाई हुई जो मिट्टी है उसको हिमोड मिट्टी कहते हैं, और वायु के द्वारा अपरदित करके निक्षेपित रूप से निर्मित जो मिट्टी है, या वायु के द्वारा निक्षेपित जो मिट्टी है उसको
लोएश मिट्टी कहते हैं, लोहेश मिट्टी कहते हैं। जैसे मंगोलिया, मंगोलिया के गोबी मरुस्थल के अंदर उत्तरी चीन एवं मंगोलिया के अंदर पश्चिमी हवाओं की वजह से लोएश मिट्टी का निर्माण हुआ है, लोएश मिट्टी का निर्माण हुआ है। और चीन की हवांगो नदी है, हवांग यानी हवांगो, चीन की हवांगो नदी है। ये नदी भी लोएश यानी कि मिट्टी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है और सबसे ज़्यादा कटाव करती है, अपरदित करती है। तो ये मिट्टी भी वायु के द्वारा निक्षेपित जो मिट्टी है उसको लोएश मिट्टी कहते हैं, यह क्षेत्रीय मिट्टी है। अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है, वो अपने ही क्षेत्र में अंतर क्रियाओं के द्वारा निर्मित होती है, जिसमें क्षेत्रीय मिट्टियाँ और अक्षेत्रीय मिट्टियाँ दोनों ही शामिल होती है। अब इसमें जो क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं इसके दो वर्ग है, एक पेडोकल मिट्टी है और एक पेडाल्फर मिट्टी, और तीसरी है वो टुंडा प्रदेश की मिट्टी। पेडोकल मिट्टी है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, मरुस्थलीय मिट्टी और एक है वन पर है यानी कि वन प्रदेश की मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी है उनको यानी कि लंबी घास वाली मिट्टी में विभाजित किया गया है। और इसके लंबी जो घास वाली मिट्टियां हैं इसके तीन वर्ग है, इसमें पोडजोलिक मिट्टी, प्रेरी मिट्टियाँ, लाल मिट्टी और उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी। वन प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं वो तीन मिट्टियाँ हैं, पोडजोलिक मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इसके अलावा यानी कि जो अंतर क्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं इसके दो वर्ग है, अनुपजाऊ मिट्टी और अनुपजाऊ मिट्टी, जिसमें लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ भी शामिल है। वन प्रदेश की मिट्टियाँ में पोडजोलिक मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी होती है। पोडजोटिल मिट्टी है वो पोडजोइलाइजेशन क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है, पोडजोइलाइजेशन प्रक्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इस दोनों प्रक्रिया लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है और लेटेराइजेशन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन पोडजोल मिट्टी लेते हैं। ये मिट्टी उत्तरी ध्रुव दीर्घ शीत ऋतु, संक्षिप्त ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेशों में जहाँ कोणधारी वन मिलते हैं वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। इनके अलावा विश्व में ये अलास्का, स्कैंडिनेविया और रूस के अधिकांश उत्तरी भागों के अंदर पोडजोल मिट्टी मिलती है। इसका निर्माण पोडजोइलाइजेशन प्रक्रिया से होता है, जिसके कारण इसमें जैव पदार्थ और कैल्शियम आदि खनिजों का अभाव होता है। इसमें मिट्टी की गहराई कम होती है, यानी पोडजोल मिट्टी के अंदर मिट्टी की गहराई है वो कम होती है। और इसमें जो फर्स्ट स्तर है अस्तर, उसकी गहराई एक फीट से भी कम होती है। इसमें कुछ जैविक पदार्थ सतह के नीचे यानी 2 इंच तक पाए जाते हैं, इसके नीचे बड़े आकार वाले कण पाए जाते हैं। और इसका जो ब स्तर है उसकी गहराई भी 1 फीट ही होती है। और ये मिट्टी है वो अनुपजाऊ होती है, ये मिट्टी अनुपजाऊ होती है। पोडजोलिक मिट्टी पोडजोल प्रदेशों में के दक्षिण में मिलती है, पोडजोल प्रदेशों के दक्षिण में मिलती है। यद्यपि यहाँ भी पोडजोइलाइजेशन प्रक्रिया काम करती है और तथापि यहाँ अपेक्षाकृत कम ठंडक वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी विस्तृत होने के कारण
जीवाणु अधिक पैदा होते हैं और सक्रिय भी रहते हैं। मिश्रित वन की चौड़ी पत्तियां से अपेक्षाकृत अधिक इसमें जीवांश भी मिलते रहते हैं। इसके साथ इस मिट्टी में की सामान्यतः गहराई पोर्टजोल मिट्टी की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी है, लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट शब्द है वो लेट धातु से बना है और जिसका मतलब होता है ईंट या बत्ता। तो आद्र उष्ण भागों में विशेषतः जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण लैटेराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी लैटेराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा, यानी उच्च तापमान और उष्ण वर्षा क्षेत्रों के अंदर जहाँ ये चट्टानी क्षेत्र होते हैं वहाँ बारिश अधिक होती है और चट्टानों के यानी कि कण होते हैं वो निक्षालन क्रियाओं के द्वारा धुप करके नीचे आ जाते हैं और लैटेराइट मिट्टी का निर्माण करते हैं। ये अपेक्षाकृत कम यानी कि अधिक गहराई में यानी कि ये मिट्टी मिलती है। अस्तर की इसकी गहराई लगभग 3 फीट तक होती है और अपक्षालन और अपवन के कारण अस्तर के अंदर इसकी फर्स्ट स्तर में जीव पदार्थ और खनिजों की कमी होती है और ये मिट्टी होती है वो अनुपजाऊ होती है। तो इस प्रकार लैटेराइट मिट्टी हुए वो अनुपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन भारत में लैटेराइट जो मिट्टी है वो पश्चिमी घाट है और केरल है, इसके अलावा कुछ एक लैटेराइट मिट्टी जो आंध्रा और तमिलनाडु कर्नाटक में भी मिलती है। तो इन भारत में लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों में जो गर्म मसाले की फसलें हैं जैसे काजू है, इलायची है, तो ये अधिक होती है। इसके साथ रबर है, तो ये रबर यानी कि भी लैटेराइट मिट्टी में अधिक होता है। तो लैटेराइट मिट्टी यानी इतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन गर्म मसाले वाली जो फसलें हैं उसके लिए ये यानी अधिक उपजाऊ होती है। अब नेक्स्ट जो लंबी घास वाली मिट्टियां हैं, लंबी घास वाली मिट्टियां, लंबी घास वाली मिट्टियों में पोर्टजोलिक और लैटेराइट मिट्टी वाले प्रदेशों के बीच में अपेक्षाकृत आर्द्र भागों में जहाँ प्रधानतः लंबी घास वाली वनस्पति मिलती है, लैटेराइजेशन और पोर्टजोल यानी कि पोर्टजोलाइजेशन दोनों प्रक्रियाओं विभिन्न अनुपात में काम करती है और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका संघ और भारत व दक्षिणी जापान में इस प्रकार की लंबी घास वाली मिट्टियाँ मिलती है जहाँ पोर्टजोलाइजेशन और लैटेराइजेशन दोनों प्रक्रियाओं से इस मिट्टी का निर्माण होता है। पोर्टजोलाइजेशन में क्या होता है, यानी वर्षा अधिक होती है लेकिन तापमान कम होता है। इस प्रकार इस खंड में के अंदर खनिज जैविक पदार्थ की भिन्नता के अनुसार उष्णकटिबंधीय लाल और पीली मिट्टियां, प्रेरी मिट्टियों का वर्गीकरण भी किया जाता है। प्रेरी मिट्टियों में जैविक पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, यानी प्रेरी क्षेत्र जहाँ प्रेरी घास के मैदान है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर, वहाँ इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है जिसमें जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। वह एक ओर आर्द्र वनाच्छादित प्रदेशों व दूसरी ओर शुष्क छोटी घास वाले प्रदेशों के मध्य विकसित होती है। जैविक पदार्थों की अधिकता के कारण इसका रंग गहरा और भूरा काला होता है। मिट्टी यानी प्रेरी मिट्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तर में यानी मिनेसोटा से दक्षिण के टेक्सास तक मिलती है, टेक्सास राज्य तक मिलती है और दक्षिण यूक्रेन और रूस के पूर्व से ही पश्चिम में लगभग यानी 5000 किमी लंबी
और दक्षिण उत्तर से दक्षिण 300 से 500 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में CIS और रूस में भी मिलती है। इसके अतिरिक्त ये मिट्टी जो प्रहरी मिट्टी है, लंबी घास वाली जो मिट्टियाँ हैं, ये उरुग्वे, अर्जेंटीना, दक्षिण के अंदर पराग्वे आदि में मिलती है। और ये जो प्रहरी मिट्टी प्रहरी जो मिट्टी है, ये उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है और लंबी घास वाली मिट्टियों की श्रेणी में आती है। तो इस प्रकार जो यानी कि लंबी घास वाली जो मिट्टियाँ हैं, ये ज़्यादातर विश्व के अंदर शीतोष्ण घास के मैदानों में भी मिलती है, जिसे प्रहरी मिट्टियों के नाम से भी जाना जाता है। पेडोकल मिट्टियाँ हैं, पेडोकल यानी कि मिट्टियाँ हैं, उसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है चरनोजम, दूसरी भूरी स्टेप्स और तीसरी मरुस्थलीय मिट्टी, जो जिसको अपन छोटी घास वाली मिट्टियाँ भी कहते हैं। पेडोकल के अंदर दो प्रकार की मिट्टियाँ, एक मरुस्थलीय और एक छोटी घास वाली। छोटी घास वाली के अंदर चरनोजम मिट्टी, स्टेप्स और भूरी मरुस्थलीय मिट्टी। चरनोजम जो मिट्टी है, ये मिट्टी छोटे घास वाले भागों में विकसित होती है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ अधिकता होती है। इसमें ब स्तर के नीचे एक चूना एकत्रित रहता है और अ स्तर में जैव पदार्थ और महीन मिट्टी के कण पाए जाते हैं। इसमें अ स्तर की गहराई लगभग 1.5 फीट तक होती है। इसके कारण यानी कि इसका जो रंग होता है वो काला होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मिट्टी प्रेरी मिट्टी वाले प्रदेशों के पश्चिम में 300 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में यानी विस्तृत है। इसके अलावा यूक्रेन में भी प्रेरी मिट्टी प्रदेशों के दक्षिण में 600 किमी लंबी और 300 से 500 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। दूसरी जो भूरी स्टेप्स मिट्टी है, ये चरनोजम और मरुस्थली मिट्टी के मध्य भागों में पाई जाती है। इसमें जीव पदार्थ अपेक्षाकृत कम होते हैं और चूने की परत है वो अपेक्षाकृत ऊपर ही मिलती है और इसमें यानी कि अ स्तर और ब स्तर जो दोनों गहराई है वो कम पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी अत्यंत शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है, इसमें जैव पदार्थ नहीं मिलते हैं, चूने की सतह 2 से 4 इंच नीचे जमा रहती है और इसमें स्तरों का पूर्ण विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार पेडोकल जो मिट्टियाँ हैं, जिसमें चरनोजम मिट्टियाँ, स्टेप्स मिट्टियाँ और भूरी मरुस्थलीय मिट्टियाँ हैं, जो छोटी घास वाली मिट्टियाँ कहलाती है। उष्णकटिबंधीय मिट्टियों के अंदर जो ये वर्ग है, जिसमें पेडोकल और यानी कि पोडजोल फेडाल्फर जो मिट्टियाँ हैं, तो फेडाल्फर जिसमें लंबी घास वाली मिट्टियाँ आती है और पोडजोल पेडोकल जिसमें छोटी घास वाली मिट्टियाँ आती है, इसे यानी कि उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ कहते हैं। टुंडा, इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मिट्टियों में टुंडा प्रदेश की मिट्टियाँ इसके अंतर्गत आती है। टुंडा प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर मिलती है, जहाँ अधिक ठंडक के कारण ये मिट्टियाँ बहुत कम विकसित होती है। इस मिट्टी में अ और ब स्तर दोनों ही यानी कि सतह से 0.5 फीट ही भीतर मिलते हैं। जमीन के नीचे सदा बर्फ जमी रहती है और यहाँ जैविक पदार्थ एवं महत्वपूर्ण खनिज का नितांत अभाव पाया जाता है। वास्तव में यहाँ मिट्टियों का निर्माण की प्रक्रिया कभी यानी कार्यशील नहीं हो पाती है टुंडा प्रदेश की मिट्टियों के अंदर। तो जो उष्णकटिबंधीय मिट्टियाँ हैं, जिसमें तीन वर्ग है, पेडोकल, पेडाल्फर और टुंडा देश की मिट्टियाँ। पेडोकल के अंतर्गत छोटी घास वाली मिट्टियाँ आती है, उसमें चरनोजम, स्टेप्स और भूरी मरुस्थलीय मिट्टी है, और पेडाल्फर के अंदर लंबी घास वाली मिट्टियाँ और वन प्रदेश की मिट्टियाँ आती है, और लंबी घास वाली के अंदर पोडजोलिक, प्रेरी, लाल पीली और उष्णकटिबंधीय लाल मिट्टी आती है, जबकि वन प्रदेश की मिट्टियों के अंतर्गत पोडजोलिक मिट्टी,
और पोर्टजोल मिट्टी और लेटराइट मिट्टियाँ शामिल होती है। अब दूसरी जो अंतःक्षेत्रीय मिट्टियाँ हैं, दूसरा वर्ग है मिट्टी का अंतःक्षेत्रीय मिट्टियाँ, उसके बारे में यानी कि अपन कल अध्ययन करेंगे।